बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम है आसिफुन। आपने चाय के साथ रस्क तो बहुत बार खाई होगी, मीन्स टोस्ट तो बहुत बार खाई होगी, पर आपने एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा रस्क या पिज़्ज़ा टोस्ट कभी ट्राई किया है? आज जरूर करना। विदाउट चीज़ के यूज़ किया है, बिकॉज लॉकडाउन है, सब जगह चीज़ नहीं मिलता, तो विदाउट चीज़ के, बट डेफिनेटली इतनी टेस्ट बनती है और आपके बच्चों को तो ज़रूर पसंद आएगी, 5 मिनट में बन जाएगी। तो इस बार चाय के साथ ही रस्क की रेसिपी आप जरूर ट्राई करना। तो पूरा वीडियो देखो, वेट किस बात का। ओके, सबसे पहले क्या करना, एक कढ़ाई में बटर डालना एंड उसको गैस पे रखना एंड हम उसकी व्हाइट सॉस रेडी कर रहे हैं। तो 1 चम्मच बटर है, उसमें 1 चम्मच में मैदे का आटा ऐड कर रही हूँ। वेरी इजी सिंपल है, मेरे पास 4 क्यूब बटर चीज़ के है, बट यूज़ नहीं कर रही बिकॉज बेकरी बंस है, तो इसको मैं बचा के रखी हूँ। तो अभी हम व्हाइट सॉस रेडी करिए, 1 चम्मच बटर डाली, 1 चम्मच मैदा डाली। मैदे को इतना भूनने का है कि मैदे का थोड़ा कच्चापन चला जाए, तो उतना मैं भूनती हूँ। आप देख सकते हो मैदे का कच्चापन चला गया, तो इसमें 1/2 कप नॉर्मल में दूध डालती हूँ। इसके अच्छे से थिक होते हैं तब तक इसको पकाती हूँ। अगर आपको मन हो तो इसमें एक चीज़ क्यूब भी डाल सकते हो, बट मैं विदाउट चीज़ बनाने वाली हूँ, एकदम वैसे ही क्रीमीनेस आएगा। तो इसको अच्छे से पकाती हूँ, ये पक गया है। तो अभी इसमें कुछ नहीं करती, गैस को करती हूँ बंद। तो उसमें ब्लैक पेपर एंड नमक डालती हूँ और इसको एकदम ठंडा करती हूँ। आगे क्या करने का है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सब मतलब एक को आपको दिखाने के लिए रखा है, मतलब आप देख सकते हो ऐसी टोस्ट जो रहती है उसका ही मैंने किया, जो रस्क बोलते हैं हम। तो ये क्या करने का, ऐसा एक लेना रस्क, मतलब बिकॉज चाय के साथ हमने रस्क बहुत बार खाया होगा। ऐसा आपने नाश्ता कभी ट्राई किया है कि नहीं किया, कमेंट में जरूर बताना। और ये व्हाइट सॉस जो अभी हमने बनाई वो एकदम बेचारी ठंडी हो गई है, और कभी से बोल रही थी आज फोन मुझे यूज कर। तो ये साथ में प्याज, मतलब आप स्वीट कॉर्न भी बॉइल यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं है। तो ये टमाटर, तो कमेंट में जरूर बताना आपको रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई। मैं बोली जल्दी फटाफट ये सब कर लूँ। और ये कैप्सिकम, आई होप सो यू लाइक दिस। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। और ऊपर जरा चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, मिक्स हर्ब, जो भी डालना डाल सकते हो। मैं चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर ये जो हमारा टोमेटो केचप है, वापस थोड़ा डेकोरेशन के लिए डालती हूँ। किसी भी तरह आप डेकोरेशन कर सकते हो। बस इधर तवे को मैंने गर्म कर दिया है। अगर आपको व्हाइट सॉस नहीं बनानी हो तो आप क्या करना, टोमेटो केचप लगाना है, इसके ऊपर चीज ग्रेट करना है, फिर इसके बाद सब टॉपिंग यूज करना एंड फिर मुझे कमेंट में भी बताना ये आपको रेसिपी पसंद आए कि नहीं है। 1 से 2 मिनट मीडियम गैस पे पकाने के लिए रखती हूँ। अगर आप चीज यूज करते हो तो चीज जब तक मेल्ट होता है तब तक रखना एंड फिर अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से, मतलब चीज होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो आप चीज यूज करो तो ऊपर ढक्कन रखना, बिकॉज चीज को मेल्ट होना चाहिए। तो मैंने तो व्हाइट सॉस यूज किया, तो अभी गैस को बंद करते हैं, बिकॉज लॉकडाउन है, सबके पास चीज अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, चीज यूज नहीं कर रही हूँ और ये प्लेट में डालती हूँ, सर्विंग प्लेट में। मुझे यहाँ से कमेंट में बताना ये आपको रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई, और कमेंट में भी जरूर बताना। लुक देख सकते हो कितना अच्छा लगता है ना। तो आई होप सो यू लाइक दिस न्यू वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन। और चाय के साथ रस्क मीन्स टोस्ट आपने बहुत बार खाई होगी, पर कभी आपने तो रस्क को इस टाइप से खाया है, बनाया है, नहीं बनाया है, कमेंट में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, आसिफ कुंडेडा। सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।